मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो इस प्रकार का स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जिसका नाम है हाईलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर मिल जाता है। अगर आपको इसका मॉडल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पिन है, वहाँ से करके आप ले सकते हो। दोस्तों आज आपने जो प्रीव्यू देखा दोस्तों, ये जो आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर ये जो सॉन्ग है पुष्पा वाला बहुत ही तेजी से वायरल चल रहा है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इसी प्रकार का कमाल का और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों अगर आप अभी अपना फोटो लगा करके इस प्रकार का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें जो भी मटेरियल वगैरह यूज होगा सब आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सिंपली गाइस अपना लाइट मोशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा दोस्तों। प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सैग इफेक्ट और सॉन्ग बिटमार्क नाम का दो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो आपको सीधे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड करके सीधे आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस कैसे कैसे क्या क्या करना होगा सारा प्रोसेस आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा सॉन्ग बिटमार्क। इस प्रकार से आपका बीट बहुत सा सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस कैसे कैसे क्या क्या करना है सारा प्रोसेस आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बैक कर लेते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है गाइस 100 बिट मार्क, ठीक है। 100 बिट मार्क हो जाएगा और गाइस यहाँ पर आपको कुछ मेटल देखने को मिल जाएगा जो कि सैग इफेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा ये सैग जो 100 बिट मार्क यहाँ पर आपको नाम से होगा, तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते तो इस प्रकार से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम भी लगा सकते हैं। सो गाइस आपको एरो पे क्लिक करके इस प्रकार से आपको आगे ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं उस प्रकार से आपको बीट सेट है। तो जैसे से मैं बताऊंगा सारे स्टेप आपको फॉलो करना है। सो गाइस तो बैक करके आपको सैग इफेक्ट में आ जाना दोस्तों। सैग इफेक्ट में आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा जो गाइस बहुत ही कमाल का मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एरो पे लेयर पर क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों आपको नीचे वाला से लेकर के ये वाला ये दोनों आपको इस प्रकार से छोड़ देना है और लेयर पर क्लिक करके कॉपी लेवल 25 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो इसका लेना है एंड गाइस पैक करके आपको अपने बिट मार्क में इस प्रकार से आ जाना है दोस्तों। एरो पे क्लिक करना है और गाइस लेयर पे क्लिक करके इस प्रकार से आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। सब आपको बात आती है कि यहाँ पर अपना फोटो कैसे अटैच करेंगे, ठीक है दोस्तों, वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। सो गाइस सो गाइस सिंपली आपको यहाँ पर फोटो कैसे लगाना और कैसे कैसे क्या करना है सब आपको बताएंगे। सो गाइस सबसे पहले आपको गैली में अपना फोटो ढूंढ लेना है, जो भी आप फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। गाइस यहाँ पर मैं इस फोटो को लेता हूँ तो ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा शेयर आपकी गैली में शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गाइस पिक्सआर्ट, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से और यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ देर वेट लेगा, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा क्रॉप पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्रॉप कर लेना है और गाइस स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा आगे जाना और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा स्टोरी, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और जो दिख रहा है साइड इस पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से गैली में सेव कर लेना है। इसे आपका गैली में सेव हो जाएगा कुछ तरह से। इस तरह से आपको कम से कम 8-10 फोटो को इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको करने के बाद इसमें कैसे क्या करना है वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो ऊपर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, आपको यहाँ पर जो फर्स्ट फोटो दिख रहा है और सेकेंड फोटो, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कलर एंड फील्ड पर जाना है और आपको स्टार आइकन पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको गैलरी में जहाँ भी आप फोटो को इंपोर्ट किए रहेंगे आपका जो भी सेफ होगा गैलरी में आपको उसको ढूंढ लेना है, ठीक है। तो मेरा गाइस पिक आर्ट में है तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लेने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, इसको इस प्रकार से आपको कर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ जो आपका नीचे वाला दिख रहा है सेम टू सेम जो ऊपर फोटो वही फोटो आपका नीचे भी रहने वाला है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और कलर एंड फिल पर जाकर के स्टार आइकन पर क्लिक करके इस प्रकार से इसको मैं इस तरह से आप क्लिक करके प्लस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों। आप इस तरह कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जितने फोटो दिखे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने सब क्रिएट करके रखा है, तो यहाँ पर आपको सभी बारी बारी से आपको कर लेना होगा, ठीक है। सो गाइस इतना आपको करने के बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस प्रकार से बहुत सारे भी, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपको बीट के हिसाब से फोटो को अटैच करना है, तो कैसे क्या करना वो भी आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में कंटिन्यू, ठीक है। सो गाइस आपको बैक कर लेना है, जैसे आप बैक करेंगे आपको सैग इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर जैसे आप आगे आएंगे, ठीक है, जैसे आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये वाला फोटो देखने को मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस बैक करके आपको अपने 100 बिट मार्क में इस प्रकार से आ जाना है दोस्तों। 100 बिट मार्क में आने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है, यहाँ पर आप जो ये दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपका सादा रहेगा तो इस पर क्लिक करके मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ और इस पर भी क्लिक करके इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है और लेयर पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और करंट फील्ड पर क्लिक करके स्टोरी आइकन पर क्लिक करके जो आपने अभी स्टोरी वाला साइज सेलेक्ट किया था वहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आप कोई भी फोटो अटैच कर सकते हो, तो मैं इस फोटो को यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ। अदर से देखो इस प्रकार का आपका इंटरफेस हो जाएगा जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है, ठीक है दोस्तों। एरो पर क्लिक करना है, इसके आगे आपका जितने बीट दिख रहा है सभी पर आपको फोटो को अटैच कर लेना
देना होगा। सो गाइस मैं इस फोटो को लेता हूँ और थर्ड पे क्लिक करके इस पर फुल स्क्रीन कर देना है और गाइस एरो पे क्लिक करके बच्चे के भाग को इस प्रकार से कट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको जितने भी आपको यहाँ पर भीड़ दिख रहा है सभी जगह पर आपको फोटो को अटैच कर लेना है। ठीक है, तो फोटो अटैच करने के बाद इस पर इफेक्ट कौन सा लगाना है तो बैक करके आपको सही इफेक्ट माना और यहाँ पर आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से ये वाला फोटो। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है एंड दोस्तों बैक करके आपको आ जाना है अपने सॉन्ग बिट मार्क में। ठीक है, सो गाइस इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करके आगे जाना है और यहाँ पर आपका जो ये फोटो अटैच हुआ है इसके बाद, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके इस प्रकार से पेस्ट कर देना है जो कि अभी आपने इफेक्ट कॉपी किया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस वजह से पेस्ट कर देगा, कॉपी नहीं हुआ तो मैं फिर से जाता हूँ और कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। तो सही इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर जो आपका ये वाला इफेक्ट है, ठीक है, ये वाला आपको इस पर क्लिक करते हैं और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड गाइस बैक करके आपको अपने सॉन्ग बिट मार्क में इस प्रकार से आ जाना है। दोस्तों सॉन्ग बिट मार्क में आने के बाद यहाँ पर आपको जो ये फोटो दिख रहा है यहाँ से लेकर के सभी फोटो बीट पर आपको लगाना है। ठीक है, तो इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है, कुछ इस प्रकार से आपका देखने को मिल जाएगा। आई होप गाइस यहाँ तक आप सभी फोटो को अटैच कर लेंगे और यहाँ पर अभी आप अपना फोटो अटैच कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सेटिंग के बगल में आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करके इसको गैलरी में सेव कर देना है। सो गाइस आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो